हाय एवरीवन, आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं व्लॉग बना रही हूँ अकेले बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम लिविंग ऑन माय ओन बाय माय ओन। ज़्यादा अकेली रहती हूँ मैं, तो मुझे अकेले लगता है कि अकेले आपसे क्या बात की जाए, बट स्टिल मुझे लगा चलो आपसे बात कर लेती हूँ। सो आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद माई फैमिली थोड़े टाइम पहले, एंड सब घर पर हैं। घर जाने का काफ़ी मन है, मैं जाऊँगी। आई हैव टू गो टू अ शूट, एक मूवी का शूट है एंड एक हफ्ते का शूट रहने वाला है। सो आई विल बी गोइंग टू जम्मू इन सम डेज, लाइक कल या परसों निकल जाऊंगा मैं। आई थिंक आई विल बी लीविंग फॉर इट ऑन 5th, 6th से वर्कशॉप है फॉर 2 डेज, देन आई विल बी देयर फॉर एन एंटायर वीक। एंड राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज दैट, हाँ उसके बाद आई जस्ट चेक कि रक्षाबंधन भी आने वाला है, सो आई विल बी गोइंग टू होम। एंड यूवो का बर्थडे है नेक्स्ट मंथ, 12 को आता है आई थिंक। हाँ 12, मतलब मुझे तो बर्थडेज भी याद नहीं रहते, मेरी यूवो का बर्थडे मुझे याद नहीं। व्हाट अ शेम, 12th को आया वैसे नेक्स्ट मंथ। एंड फिर क्या होने वाला है कि फिर आई बी प्लानिंग टू गो टू होम, सो दैट ऐसे टाइम पे मैं जाऊँ जहाँ पे मैं रक्षाबंधन भी अटेंड करूँ, एंड आई वॉन्ट टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये अटेंड करके उसके बाद घर जाऊँगी, इस तरह से प्लान किया है। बाद में कुछ चेंज होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। एंड अभी आई हैव गॉट रेडी, आई जस्ट गॉट फ्रेशन अप वेरी लेट, इट्स लाइक 7:30। मैं आई एम गोइंग फॉर अ इवनिंग वॉक नाउ, एंड माई फॉरएवर बॉटल मेरी, तो मैं जा रही हूँ नीचे। मुझे पता नहीं कि लाइट कितने वाली होनी है, तो लगा चलो आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आई विल गो नीचे एंड आपसे ऐसे ही बात करूँगी यार, और क्या कर सकती हूँ मैं अकेले, आपसे ऐसे ही बातें कीजिए। मुझे पता है सम ऑफ यू डू लाइक कि मैं ऐसे ही बात करें तब भी आप सुन लेते, तो दैट्स वाई आई एम डूइंग इट। बट घर जाऊँगी, घर में बहुत सारा प्यार मिलेगा, घर में बहुत सारे लोग होंगे, यू होगा द फेवरेट बडी इन द हाउस, एंड लेट्स गो गाइस। व्हाट आई वाज सेइंग कि आई लॉक द डोर, एंड सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे ये कि खाना बनाना का बड़ा बोझ है यार। लाइट चली गई यार, वेट आ गई। तो मैं बोल रही खाना बनाने का बड़ा बोझ है यार, मतलब ऐसे रहता है यार। तो थिंक व्हाट शुड आई मेक, मन नहीं करता मुझे कुछ बनाने का, यहाँ तो बिल्कुल आइडिया दोस्तों। बस आप मेरी आवाज़ से मैनेज कर लेना। ओके शैल आई गो फॉर गो टू ईट समथिंग, पार्क में बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, बैंड टेनिस बड़ी प्यारी है यहाँ की ना, इट्स वेरी ग्रीन एंड वेरी नाइस, बच्चे खेल रहे हैं। ऊट पटांग खाने का मन नहीं करता, आई ट्राई टू अवॉइड ईटिंग अनहेल्दी, बट घर पे बनाने का मन नहीं कर रहा, बहुत मौत पड़ रही है दोस्तों, मैं क्या करूँ। जब ऐसी मौत पड़ रही है जोमेटो से ऑर्डर करके भी कितना ही हेल्दी होता होगा, आई ट्राई टू अवॉइड इट, बट मजबूरी में करना ही पड़ता है। बहुत मन नहीं है मेरा खाना बनाने का। अच्छी यहाँ पर कोई देखती हूँ यहाँ पे कुछ, एक तो ना नज़दीक कुछ अच्छा सा है नहीं यहाँ पे जहाँ पे मैं खा सकती हूँ। लेट्स सी इफ आई गेट समथिंग देन आई विल ईट आउटसाइड ओनली। ऐसे लाइट से करना पड़ेगा यार, रास्ते में धूल है, मेरा पूरा मुंह खराब हो जाएगा यार, क्या करूँ, जाना पड़ेगा मुझे, धूल नहीं लेनी अपने फेस पे। बाय द वे कल भी मैं मार्केट गई थी शाम को, अच्छा लगा मुझे मार्केट जाके, बहुत आए लाइक डिड सम शॉपिंग, छोटी मोटी शॉपिंग करी मैंने। एंड कल वैसे मन नहीं किया मेरा व्लॉग बनाने का, बट द गुड थिंग्स दैट हैपन्ड लास्ट नाइट वाज लाइक शाम को इवनिंग में, तो व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर माय कैब टू कम, तो वहाँ पे एक बूढ़े अंकल जी थे, लाइक दादाजी की एज के थे, तो क्या हुआ कि उनको गोलगप्पे का पानी किसी ने पीने के लिए दिया, तो वो पी रहे थे, वो पानी गिरने लगा था नीचे, मैंने बोला ध्यान से पानी गिर रहा है, देन ही आस्क मी टू कि क्या बोलते हैं यार हरियाणी में, कुछ बोलते हैं बच्चे को क्या बोलते हैं, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा, तो बोलते बैठ इधर बैठ जा इधर बैठ जा, मैंने कोई बात नहीं मेरी कैब आ रही है, फिर मैं उनके साथ बैठी, फिर मेरी उनसे अच्छी सी कॉन्वर्सेशन हुई, मेरे को बोलते कि क्या करते हो आप, फिर मैंने बोला मतलब पढ़ाई करते हो, मतलब बस मेरी पढ़ाई अभी कंप्लीट हुई है ये करके, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया मैंने, ऑफकोर्स नहीं बताया। फिर बोलते अच्छा तुम ना बैंकिंग की तैयारी करो, बैंकिंग के एग्ज़ाम चल निकल रहे हैं, बोला अंकल मुझे गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। फिर बाद में पूछा अच्छा, बोला अंकल आप गवर्नमेंट सेक्टर में थे पहले, बोलते हाँ मैं बैंक में जॉब, मतलब अच्छा तभी आप बोल रहे हो मुझे कि बैंकिंग की तैयारी करो, बैंकिंग में स्कोप है क्या यहाँ पे, पता नहीं अच्छी जगह है या नहीं है यार, थोड़ा आगे जाके देखती हूँ।
तो फिर अच्छे से कॉन्वर्सेशन हुई, फिर उनको मेरी टेंशन हो गई कि रात शाम हो गई है, क्या सेफ है जाना, मतलब हाँ जी हाँ जी सुबह में सब सेफ रहता है वैसे, और मेरे को वैसे भी 10 मिनट दूरी था रास्ता। तो अब आते टाइम ही वॉज वेटिंग कि मैं उनको बाय बोलूँ, फिर मैंने जाते जाते भी उनको बाय बोला, इतनी स्माइल करके उन्होंने बाय किया, अच्छा लगा मुझे उनसे बात करके। मुझे नहीं पता लाइफ में कभी फिर से मिलूंगी नहीं मिलूंगी, एंड ही इज़ क्वाइट ओल्ड, तो इट फील गुड दैट यू कुड गिव दैट स्माइल टू दैट पर्सन। यू डोंट नो इफ यू विल बी मीटिंग द सेम गाय, सेम ओल्ड गाय अगेन और नॉट, और कब तक मिलोगे कब नहीं मिलोगे, बट इट वॉज अ गुड फीलिंग टू कम बैक विद। एंड शॉपिंग मैंने करी, आई गॉट अ लिपस्टिक इन 150 rupees, वो 200 की थी, एंड जो वहाँ पे आंटी थी शी वॉज रे, उनसे उनको मैंने से पटा लिया, पता नहीं छोटी छोटी चीज़ें, मतलब मेड मी क्वाइट हैप्पी कि उन्होंने मुझे वो दे दिया। एंड आई बॉट समथिंग एल्स ऑल्सो, शी इट वॉज वर्थ 650 rupees, एंड मैंने बोला यार कि इतना महंगा नहीं है, मैंने अभी यूज़ करा है, मतलब मेरा अभी ख़राब होगा इसलिए मुझे लेना पड़ रहा है, लेकिन मेरे को 500 में दे दो। फिर उन्होंने वो 500 के दे दिया। एक लड़की थी वो दूसरे लिपस्टिक को बोलते नहीं नहीं हम 200, अगर आपको दो लेनी तो 300 के ले लो, और अगर आपको एक लेनी है तो आपको 150 की मिलेगी। फिर मैंने उनको बोला कि यार 100 की, यार क्या 150 की ली शायद मैंने, मैं भूल ही नहीं, बताते बताते कितने की ली, 150 की ली है। अच्छा 200 की, हाँ 200 की दे दी थी ना मैं, बोला 150, पता नहीं यार मैं भूल ही गई, आई स्वेयर आई जस्ट फॉरगॉट कि कितने की ली है मैंने, मेरे को ना लेने के बाद याद नहीं आता, बट हाँ 50 rupees का मेरे को कम में ले दिया उन्होंने, मतलब इतना, हाँ 150 की ली, 200 की दे रहे थे वो सिंगल पीस, 300 की दो, अब दो मुझे लेने थी क्योंकि दूसरा वाला पीस मुझे खास पसंद नहीं आया। मैं ऐसे बातें करते करते आगे तक आ गई दोस्तों, आई होप सो आई हैव अ सेफ राइड, मतलब वॉक, वैसे तो क्या ही कर रही है यहाँ पर, क्या उखाड़ेंगे, बोतल है मेरे पास। तो ऐसे करके वो भी मुझे, फिर क्या हुआ वापस कल, वो भी था ना शिवरात्रि भी थी, तो वो लोग मुझे थोड़े अच्छे से लगे, रिलीजियस टाइप, उन्होंने भजन भजन लगा रखे थे टीवी पे। फिर मैं उस एक स्मार्ट, मैं उस 50 rupees से इतने खुश हो गई कि 50 rupees का डिस्काउंट मिला मुझे, फिर मैं आ गई और सामान वहीं पर छोड़ दिया था जो मैंने 500 और चीज़ें भी ली, आई थिंक 700 का लिया होगा शायद, वो पैकेट वहीं छोड़ दिया और लिपस्टिक लेके खुश होकर आ गई बाहर। थैंक गॉड मुझे बाहर याद आ गया, फिर मैं वापस गई, फिर मैंने पैकेट लिया, बोलते आपको आवाज़ भी लगाई थी मैंने, हमने आवाज़ लगाई थी आपने सुनी नहीं। फिर क्या हुआ बताती हूँ, फिर थैंक गॉड मैंने पैकेट ले लिया वहाँ से। फिर उसके बाद बाकी वो ना ऐसे लगेगा कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, अच्छी बात है ना, साथ साथ मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, चल भी रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, इफ आई गेट टू ईट समथिंग हियर, बट स्टिल लाइक वॉक भी हो रही है। तो वैसे वापस आई, फिर मुझे बस ये कंसर्न था कि मेरे पैकेट्स कुछ छूट ना जाए। एंड आई गेट गॉट बैक, आई गॉट अ नाइट सूट फॉर माई सेल्फ एंड आई गॉट अ बेड शीट ऑल्सो, ठीक है, और हाँ ये चीज़ें भी। दोस्त आपको मेरी ये बातें सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है क्या, पता नहीं, मैं तो बता रही हूँ बस। तो फिर जा रही हूँ मैं आगे तक, एंड रुको अब आगे तक आ गई हूँ, आपसे बात करते करते जाऊँगी साथ में। क्या बस ये कि मैं आगे तक आ गई हूँ और मुझे अभी तक कुछ दिखा नहीं है जहाँ पे मैं कुछ खा सकती हूँ। चलो वॉक तो हो ही रही है, आपसे टॉक भी हो रही है, वॉक करती हूँ, टॉक करती हूँ और कुछ फाइंड करती हूँ। आउटर साउंड अगर ज़्यादा है तो प्लीज़ इसको बियर कर लेना मेरे लिए, ठीक है, और ऑप्शन नहीं है क्योंकि ना काफ़ी दिनों बाद आई मैं यार यहाँ पे। मुझे पता है स्टार्टिंग के दिनों में जब मैंने व्लॉगिंग फिर से रीस्टार्ट करी थी, द जर्नी दैट आई स्टार्टेड विद यू गाइस ओनली, तो आई यूज़ टू कम टू दिस प्लेस ऑन वॉकिंग एंड टॉक टू यू एंड अपलोड द व्लॉग्स। Now if I go back to the vlog, I don't want to, but it'll be very embarrassing for me to go through the vlogs. Embarrassing तो क्या, but ठीक है उस टाइम पर आप थोड़ा स्टेट अलग, स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट होता है। यार मैं तो बहुत आगे आ गई और कुछ दिख नहीं रहा मेरे को यहाँ पर, यार मैं बहुत आगे आ गई यार, काफ़ी आगे आ गई हूँ।
यार ये तो होटल जहाँ पे खाना खाया था मैंने एक बार ब्रेकफास्ट करा, ये तो बंद है यार। डोंट टेल मी, खुद बनाना पड़ेगा खाना यार। आई थिंक आई शुड बी गोइंग बैक बिकॉज यहाँ पे तो कुछ खुला नहीं है। हाउ सैड, या सोसाइटी के आगे वाले मार्केट में जाएंगे। आई थिंक आई शुड रश बैक बिकॉज देयर इज नो बेनिफिट ऑफ गोइंग ज़्यादा आगे बिकॉज यहाँ पे कुछ है नहीं। तो दोस्तों ये मेरी कहानी थी। वैसे आप लोगों को लगेगा कि भाई तू जितना देर ये चल रही है उतने में तो खाना बन भी जाता है, वैसे ज़्यादा टाइम लगता नहीं खाना बनाने में, पर क्या करें, आलस्य से जब आप, आलस्य आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और आलस्य से जब आप धीरे धीरे हुए हो तो क्या करें आप। Oh my God! I could have fallen. चाचा लोग मुझे देख रहे हैं दोस्तों। I think it's not safe. I should go back. These चाचा लोग जा रहे हैं। Dangerous. They see you as a. They have not seen any girl ever in their life. तो मैं फ्रंट गेट वाली साइड पे आ गई हूँ। यहाँ भी रोड का काम चल रहा है, पता तो धूल वूल है, बट आई हैव टू गो। बाय हूँ। सब्जी वाले अंकल है यहाँ पे, अरे वाह मैं यहाँ से लूँगी प्याज फिर बनाऊँगी घर पे दाल चावल। चलो दोस्तों, नमस्ते अंकल जी। अरे आज तो खुली है आपकी दुकान, कल भी बहुत प्यारे हैं। अब जाती हूँ मैं दूध ले लेती हूँ एक पैकेट। सो गाइज आई गॉट बैक एंड इतना ढूंढने के बाद मुझे लगा कि आई शुड बेटर कुक माई सेल्फ, तो आई गॉट अनियन। अनियन ख़त्म थे, वैसे मुझे कल जाना ही है बट ले लिए मैंने। चलो एक हफ्ते रख टिक जाएंगे क्या, यूज़ हो जाएंगे कोई बात नहीं। एनीवे सो अब मैं कुछ बनाऊँगी, दूध और दही लेकर आई, एंड आई कुक समथिंग बेटर टू बी कुक योर सेल्फ देन सर्चिंग फॉर अ प्लेस। बाहर सब कुछ अनहेल्दी मिलता है और इसलिए अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, बट क्रेविंग भी नहीं हो रही इसलिए अवॉइड कर रही हूँ। जब मुझे क्रेविंग होती है उस टाइम मैं इतना नहीं सोचती हूँ हेल्थ का, उस टाइम पर मैं खा लेती हूँ अगर इफ लाइक आई एम क्रेविंग फॉर इट। तो इतना भी नहीं कि आई एम जस्ट सो पर्टिकुलर, इज नॉट लाइक दैट, बट आई ट्राई टू। अगर ज़रूरत नहीं है, अगर बहुत क्रेविंग नहीं हो रही तब इट्स बेटर टू गो फॉर द हेल्दी ऑप्शंस, राइट? दैट्स समथिंग आई एम गोइंग टू डू। सो गाइस फाइनली आई पुश्ड माय सेल्फ टू कुक द डिनर माय सेल्फ। सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे तो मुझे लगा कि बेटर आई ओनली डू इट फॉर माय सेल्फ बिकॉज हेल्दी ऑप्शन वुड बी टू कुक इट बाय योर सेल्फ, राइट? बट व्हेन व्हाइल आई वाज डूइंग इट आई एंजॉयड डूइंग इट एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव इट। सो दिस इज़ व्हाट आई कुक्ड। जल्दी में यही बन सकता था। ये है कौन सी दाल है, ये मलका की दाल एंड दिस इज माई सैलेड एंड दिस इज़ मी। आई एम गोइंग टू एंजॉय इट विद नेटफ्लिक्स एंड चिल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरी वन, होप यू लाइक दिस व्लॉग। आई डेंट डू मच इन दिस बट आई जस्ट टॉक यू गाइज। आई थिंक ये वाला सेशन भी काफ़ी टाइम से नहीं था, तो आई होप सो यू लाइक द व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।